नमस्कार एंड वेलकम टू जी चीज। अब होलसेल रेट में गिरेगी दुश्मनों के माथे पर स्वदेशी मिसाइलें। भारत ने वीडियो जारी करके दुश्मनों की तबाही का प्रमाण पत्र जारी किया। यूएनएसी में भारत के दुश्मन बोले, हम चाहते हैं शांति, लेकिन डीआरडीओ निकला खुरापाती। दुश्मनों को हुआ एहसास, हमारे पास खाने को पैसे नहीं, लेकिन भारत युद्ध के लिए उकसा रहा। दोस्तों, डीआरडीओ ने फिर से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जंग जीतने के लिए दुश्मनों की ट्रेनिंग से ज्यादा इंजीनियरों की जज्बात की जरूरत होती है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऐतिहासिक वीडियो जारी करके भारत ने दुश्मनों के कुकर में सीटी बजा दिया है। कोई सुरक्षा परिषद में जाकर बाप बाप चिल्ला रहा है, तो कोई समुद्र में भारत की जासूसी करने के लिए जलपरी बन गया है। डीआरडीओ के इंजीनियरों ने तहलका मचाते हुए दुश्मनों को यूएनएसी में रोने पर मजबूर कर दिया है। अग्नि 6 मिसाइल को लेकर चीन में पहले से ही भय का माहौल है, तब तक भारत ने एक और धमाका करके बीजिंग में भूकंप ला दिया है, जिसमें तकरीबन 116 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि चीन में भूकंप भारतीय हथियारों से नहीं आए, लेकिन डीआरडीओ के द्वारा वीडियो जारी करने के बाद ही प्राकृतिक भूकंप आए हैं। भारत के दुश्मन जिस भाषा को समझते हैं, अब डीआरडीओ उसी भाषा में माकूल जवाब देने को तैयार है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर भारत ने चीन के मुंह से उसका अखरोट बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, भारत ने तेल और हथियार खरीदने में दशकों से पानी की तरह पैसा बहाया है। इस मामले में हमने रूस और गल्फ कंट्रीज को काफी पैसे पहुंचाए हैं, ताकि हमारी सुरक्षा और एनर्जी नीड को पूरा किया जा सके। भारत विदेशी हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बड़े बड़े हथियार वाले देशों ने भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। जानबूझकर हमारे देश में और सरहदों पर भय और आतंक का माहौल पैदा किया गया, ताकि भारत जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीद सके। लेकिन मरता क्या ना करता, भारत को अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए पानी की तरह पैसे बहाने पड़े। अगर ये सारे पैसे हमारे ही देश में रह जाते, तो देश की तरक्की अलग ही लेवल पर देखने को मिलती। हमने फाइनेंशियल ईयर 2022 में तकरीबन 119 बिलियन डॉलर केवल तेल पर खर्च किया है। उसी प्रकार हमारा डिफेंस बजट भी तकरीबन 76 बिलियन डॉलर का था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मिलिट्री बजट का ज्यादा पैसा हमारी सेना अब स्वदेशी हथियार खरीदने में खर्च करती है। भारत अब स्वदेशी हथियारों को दुनिया में पहुंचाना चाहता है। भारत भी हथियारों का गोदाम खोलना सीख गया है। अब होलसेल रेट में दुश्मनों के माथे पर मिसाइल गिराई जाएगी। युद्ध की स्थिति में हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब तक हमें रूस और फ्रांस जैसे देशों पर हथियारों के लिए निर्भर रहना पड़ता था। पूरे भारतवासी दिल से इन हथियारों का धन्यवाद देते थे, जिन्होंने वास्तव में मुसीबत की घड़ी में हमें हथियार देकर हमें मजबूत बनाया। लेकिन बदलते जियोपॉलिटिकल समीकरण में हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते। हाल ही में आप सभी ने देखा कि कैसे रूस चीन की गोद में बैठकर भारत का टेम्परेचर हाई कर रहा है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच कोई भी विवाद पैदा होता है, तो उन परिस्थितियों में हमारे स्वदेशी हथियार ही काम आएंगे। हमें जितना जल्दी हो सके अपने हथियार गोदामों को भरना होगा। भारत हथियारों का निर्यात बढ़ाने में भी लगा है। हाल ही में जारी किए गए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का वीडियो देखकर कई देश इस पे फिदा हो गए हैं। इस सपने को पूरा करने में डीआरडीओ के साथ साथ भारत की स्वदेशी डिफेंस कंपनियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस पहल में लगे हुए हर एक इंजीनियर और सहकर्मियों को हम नमन करते हैं, क्योंकि अगर भारत को यूएनएसी में परमानेंट सीट और वीटो पावर चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद के हथियार इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर आप P5 कंट्रीज को देखेंगे, तो वे सभी हथियार एक्सपोर्ट में महारत हासिल कर चुके हैं। गोला बारूद फाड़ कर ही वे दुनिया में शांति लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में भारत को भी वही नीति अपनानी होगी। अगर घी खाना है, तो अंगुली टेढ़ी करना ही पड़ेगा। इसी कारण भारत अब धुआंधार गति से स्वदेशी हथियारों के निर्माण में लग गया है, जिसके कारण आसपास के दुश्मन देशों में धुआं उठने लगा है। पड़ोसी देश सुरक्षा परिषद में पहुंचकर भारत पर आरोप लगाते हैं कि डीआरडीओ बिना मतलब का आग लगा रहा है।
दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में यूएनएससी पहुंचकर इस बात पर एतराज जताया था कि भारत को दूसरे देशों से इतने हथियार क्यों मिल रहे हैं। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट अमेरिका के कहने पर दिया है ताकि रूस और भारत के बीच दरार पैदा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि दक्षिणी एशिया में एक देश को पारंपरिक हथियारों की आसानी से आपूर्ति चिंता का सबब है। यहां साफ तौर पर पाकिस्तान ने सीधे सीधे और भोले भारत को टारगेट किया। पाकिस्तान के अनुसार हथियारों की वृद्धि अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है और तनावग्रस्त क्षेत्र में शक्ति संतुलन को खतरे में डाल रही है। पाक प्रतिनिधि ने आगे कहा, पारंपरिक हथियारों को सीमित और धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य साकार नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ऐसे देश हैं जो लगातार प्रदर्शनी दिखाकर माहौल को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान का मानना है कि अगर हमारे पड़ोसी इतने पैसे हथियारों पर खर्च करेंगे तो फिर हमारे साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस वक्त हमारी स्थिति ठीक नहीं है। भारत को टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि पूरे दक्षिण एशिया में हमारा दुश्मन सबसे ज्यादा हथियारों पर पैसे खर्च करता है, जो आसपास के देशों में शक्ति का संतुलन पैदा कर रहा है। इतने लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान में भी बाधा आ रही है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि इस वक्त पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है और कहीं इस बीच भारत पीओके पर हमला न कर दे। हालांकि उसके द्वारा धमकी देते हुए कहा गया कि अगर हथियारों की वृद्धि लगातार बढ़ती रही तो इससे परमाणु संपन्न देशों के बीच संघर्ष भी भड़क सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि हम इस वक्त अपने आसपास शांति चाहते हैं, लेकिन आसपास के कुछ देश जानबूझकर माहौल खराब करने में लगे हैं। यूएनएससी में मौजूद सभी प्रतिनिधियों को हंसी तक आ गई होगी जब उसने आतंकी गुटों तक आधुनिक हथियारों के पहुंच पर चिंता जताते हुए कहा कि यह हथियार कैसे हासिल किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान ने यूएन में शांति के लिए हथियारों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से उत्पन्न खतरे और समाधान विषय पर बोलते हुए ये बातें कही है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान यहाँ टीटीपी आतंकियों की बात कर रहा है, लेकिन वह उस आतंक का जिक्र नहीं कर पा रहा जिसके दम पर वह कश्मीर में खून की नदियां बहाता है। दोस्तों, यह बात तो सच है कि भारत ने अभूतपूर्व तरीके से अपने हथियारों के जखीरे में वृद्धि की है। अब भारत न केवल स्वदेशी हथियार बनाने में माहिर हो गया है, बल्कि एक्सपोर्ट करने में भी महारत हासिल कर ली है। फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र ने भारत के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस वही देश है जो भारत से कई बंडल ब्रह्मोस ले चुका है और आने वाले समय में वह इन मिसाइलों का चीन के ऊपर इस्तेमाल करने वाला है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अभी अभी आर्मेनिया को बेचा गया है, जिसकी बदौलत वह अजरबैजान की छाती से प्राण निकालेगा। आर्मेनिया की तरफ से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का ऑर्डर भारत को मिला है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक रक्षा अधिकारियों ने कहा, अगले कुछ महीनों में आर्मेनिया को डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद मध्य पूर्व में भी ऐसे देश हैं जिन्होंने इस हथियार में रुचि दिखाई है। हाल ही में DRDO ने एक ही आकाश फायरिंग यूनिट के जरिए 4 हवाई लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साधा था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। इस एक्सरसाइज के वीडियो में दिख रहा है कि 4 हवाई ड्रोन हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं। आकाश फायरिंग यूनिट फायरिंग लेवल रडार, फायरिंग कंट्रोल सेंटर और 2 आकाश एयरफोर्स लॉन्चर से लेस था, जिसने सटीक तरीके से इन 4 लक्ष्यों को मार गिराया। 2 मिसाइल अलग अलग लॉन्चर से निकली। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO की ओर से विकसित किया गया है। आकाश को पिछले एक दशक से भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ओर से अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।